निर्दलीय प्रत्याशी का बीजेपी पर आरोप, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर है, सोलन से निर्दलीय प्रत्याशी ने बीजेपी पर आरोप जड़ा है। तो निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि नामांकन वापस लेने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर ये आरोप लगाया है, जबरन गाड़ी में बिठाकर ले जाते दिखाई दिए हैं कार्यकर्ता, जिसमें कि इस महिला को जबरन गाड़ी में बिठाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कार्यकर्ता। कहा जा रहा है कि ये आरोप जड़ा गया है बीजेपी पर कि निर्दलीय पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपना नामांकन वापस ले ले। और एक वीडियो सामने आया है जिसमें नजर आ रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार को जबरन गाड़ी में बैठने के लिए कहा जाता है और अब यही आरोप सामने आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं हमारे संवाददाता उमेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर। जी उमेश, जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है और जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, योगेश शर्मा जुड़े हैं। जी योगेश, जिस तरीके से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि नामांकन वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और सीधा सीधा आरोप बीजेपी पे लगा है, क्या अपडेट है? जी आरती, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए, पछाड़ उपचुनाव में पहले गर्मा गर्मी का माहौल था, जहां से बागी नेता, जो भाजपा के बागी नेता आशीष सिक्टा हो गए और जो दयाल प्यारी, उन्होंने पहले नामांकन भरा था, उसी बीच एक और गर्मा गर्मी का माहौल आज देखने को मिला है। जी जी, तो जिस तरीके से गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिला, लेकिन ये जो वीडियो सामने आया है इसमें जबरन गाड़ी में बिठाने के प्रयास किए जा रहे हैं और अब आरोप जड़ा गया है कि बीजेपी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि निर्दलीय चुनाव ना लड़ सकेंगे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, दयाल प्यारी से जब हमारी बात, उनका कहना था कि मैं सीएम जयराम से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर भाजपा पार्टी में काम करना चाहते हैं तो आपका नामांकन जिस तरह से भी अच्छा होगा वो किया जाएगा। वहीं जब उन्होंने ये बात मानी तो उनके कुछ जो भाजपा समर्थक थे, जो उन्हें चुनाव में नामांकन वापस लेने के लिए कह रहे थे, उन्होंने जबरदस्ती गाड़ी में दिखाई दिए और कहीं ना कहीं जो भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक है वो नामांकन वापस लेने के लिए दयाल प्यारी पर दबाव बना रहे हैं। जी जी, तो आरोप लगे हैं पार्टी पर। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो निर्दलीय प्रत्याशी ने आरोप जड़ा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता उन्हें रोक रहे हैं चुनाव लड़ने से, उन पर नामांकन वापस लेने तक के दबाव बनाए जा रहे हैं। वीडियो सामने आया है जिसमें कि जबरन इस महिला को गाड़ी में बैठने के लिए लोग कह रहे हैं, जबरन उसे गाड़ी में धकेल दिया जाता है और अब बीजेपी पर सीधे सीधे आरोप जड़े हैं। हालांकि फिलहाल स्थिति साफ नहीं हो पाई है,